हर बंद का असर सिंघिया में भी देखी गई। समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड क्षेत्र में भी बिहार बंद का असर देखने को मिला है। सिंघिया प्रखंड के कलाली चौक, सुभाष चौक, कर्पूरी चौक पर महागठबंधन के नेताओं द्वारा सड़क जाम किया गया। बताया गया कि बिहार विधानसभा में बिहार पुलिस बिल के खिलाफ विरोध करने के लिए बिहार सरकार के विधायक एवं पुलिस के द्वारा विपक्ष के महिला विधायक एवं पुरुष विधायक के साथ अमर्यादित व्यवहार करने के मामले एवं किसान विरोधी कानून के खिलाफ में महागठबंधन के द्वारा प्रस्तावित बिहार बंद को शांतिपूर्वक चक्का जाम किया गया। इसमें राजद के प्रखंड अध्यक्ष करीम माझी, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष पार्थेश्वर सिंह, माले के अंचल सचिव रामचंद्र प्रधान, CPIM के शंभु साव, प्रोफेसर जवाहर प्रसाद सिंह, आलोक सिंह, ब्रजेश कुमार, मुकेश सिंह, समोली झा, रामानंद पासवान, रजनीश यादव, अनिल यादव, अमरजीत यादव, मुकेश गुप्ता, अमित कुमार, मनीष कुमार, रिक्की, नाजिर खान, अरुण सिंह के अलावे कई लोग शामिल थे। किसानों को फायदा होगा और किसान बदहाल हो जाएगा, खास करके जो छोटे किसान हैं, जो बाटादार किसान हैं, जिनकी तादाद 40 करोड़ से ज्यादा इस देश में है, 80 करोड़ किसान परिवार है, जो आज बेघर हो जाएगा, उजर जाएगा, और उसी के खिलाफ हम लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं। दूसरी ओर जो महंगाई बढ़ रही है, डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज डीजल और पेट्रोल का दाम कम हुआ है, कच्चे तेल का दाम कम हुआ है, लेकिन भारत में लगातार 100 के पार जा रहा है पेट्रोल की कीमत, 90 को छू रहा है, गैस की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, खाद पदार्थ जो खाद तेल है उसमें की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, हम उसके खिलाफ हैं। और बिहार सरकार ने जो लोकतंत्र पर हमला किया है, विपक्ष के विधायकों को सदन में घुसकर, केवल मार्शल को विधानसभा के अंदर जाने का हक था पहले से, लेकिन इसने विशेष फोर्स को बुला करके जो हमला करवाया है, कायराना हमला है, या जनता के ऊपर हमला है, या जनतंत्र और संविधान के ऊपर हमला है, जिसके खिलाफ हम लोग आज भारत सरकार का चक्का जाम कर रहे हैं। भारत सरकार के एजेंट में हम लोग जाम करते हैं। जब तक ये तीनों काला कानून किसानों से संबंधित ये वापस नहीं लेती है सरकार, तब तक हम लोग सड़क पर खड़े हैं। और किस तरह जुल्म के सवाल पर जो है बिहार विधानसभा में विधायकों के द्वारा जो सवाल उठाया गया, उसके ऊपर किस तरह कातिलाना हमला किया गया, यह लोकतंत्र के ऊपर एक काला धब्बा है। बिहार सरकार जो है हिटलर शाही, तानाशाही करके माननीय विधायक लोग जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनकी आवाज को दबाने के लिए उनके पर लाठी गोली और उसके ऊपर चार्टी कर सकते हैं। हम इसी बातों के सवाल पर आज संपूर्ण विपक्ष भारत बंद का कॉल किया है। हम अंतिम दम तक, जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, महंगाई वापस नहीं ले जाएगी और ये नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं करेगा, हम लोगों की आंदोलन अनवरत जारी रहेगी।